हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलीशा मैथ्स क्लासेस। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्लास 12, दैट इज चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रेशन। एंड टुडे आई विल डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस विच आर गिवन एज फॉलोज, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मुला फॉर दिस, ऑल्दो दीज फॉर्मुलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.4 ऑल्सो। ये जो सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मुले हैं, इनकी कई बार डेरिवेशन भी आ जाती है एग्जाम में। मतलब सपोज सिंपली आ गया, फाइंड इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों को इसका फॉर्मुला याद होता है तो बच्चे डायरेक्टली फॉर्मुला का आंसर लिखाते हैं, लेकिन कई बार अगर किसी एग्जामिनर में इसको 4 मार्क में डाल दिया है तो आपको इसको पूरी की पूरी इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। और अगर 4 मार्क में कोई और क्वेश्चन आ रहा है जिसके जिसमें इन इंटीग्रेशन का यूज हो रहा था, उसमें आपको डेरिवेशन की नीड नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व। तो ये क्वेश्चंस बड़े इजी, मतलब ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो आपको हर एक फंक्शन में नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती तो हम उसको सीखेंगे कैसे बनाना है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 में। सो बिफोर दैट, दोज हु हैव नॉट वॉच माई प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग द एक्सरसाइज 7.3 एंड एनी वन वॉन्ट टू सी द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.3, ऑल द डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दे आर 3 वीडियोज रिलेटेड टू दैट, एक्चुअली दे आर 24 क्वेश्चन इन 7.3, सो आई हैव डिस्कस दैट क्वेश्चन बाय टेकिंग ओनली 8 क्वेश्चन इन ईच वीडियो। सो यू कैन वॉच द वीडियो वट एवर यू हैविंग द प्रॉब्लम इन दैट एक्सरसाइज। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ। आई होप दैट यू विल जस्ट see my video up to the end to get the complete knowledge of the integration of these type of questions. So let's start now. So students, जो हमारा first integration है वो है integration of dx upon x square minus a square। अभी तक आपने जो किया उसमें क्या करना होता था, कहीं ना कहीं फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बन जाता था। बट आपको पता है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x आएगा, जो कि आपके पास नहीं है और ना ही आप बना सकते हैं। तो इसको करने की अलग टेक्निक है, वो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे करने के लिए क्वेश्चन को इजी फॉर्म में यहाँ पे आप 2a से मल्टीप्लाई करेंगे या 2a से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, ये कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेरिएबल से नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे x से। हाँ, आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है तो आप अंदर ही अंदर कर सकते हो इस इंटीग्रेशन के अंदर, मीन्स x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। बट अगर कांस्टेंट से करना है तो फिर आपका कांस्टेंट एक बाहर रहेगा एक अंदर रहेगा। और नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसके आप फैक्टर बना सकते हो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया। फर्दर क्या करना है, आपने 2a को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना है, a प्लस ए। क्लियर। और हमने यही a प्लस एक्स और a माइनस एक्स बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक x ऐड करना है और एक x सब्ट्रैक्ट करना है। वी कैन डू दैट, अगेन सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा। लेकिन हमारा ये स्टेप करने से इक्वेशन का जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2a बन चुका है। अब आपका एक फैक्टर है x माइनस ए और एक है x प्लस ए। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो न्यूमरेटर में फैक्टर बने वो भी इसी तरह से बने। तो एक तो मुझे x प्लस ए ऑलरेडी दिख रहा है, ये मैं इसको x प्लस ए लिख लूँगी। दूसरा फैक्टर मुझे x माइनस ए बनाना है, जबकि यहाँ पे x नेगेटिव है और a पॉजिटिव है। मुझे क्या चाहिए, x पॉजिटिव चाहिए और y नेगेटिव चाहिए। तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगी ताकि उसके अकॉर्डिंग मेरा x माइनस ए ही बन जाए। आप इसको ओपन करके देख लीजिए तो यही आएगा हमारे पास। नीचे हमारा फैक्टर ये है x माइनस ए इंटू x प्लस ए डी एक्स। अब कुछ भी नहीं इसमें, बस अब आपको सेपरेट कर देना है दोनों इंटीग्रल्स को। सो x प्लस ए अपॉन x माइनस ए इंटू x प्लस ए डी एक्स प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के दोनों इंटीग्रल में x प्लस ए से यहाँ पे x प्लस ए कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो चुका है।
तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस ए बचेगा। जैसे वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। अब ये चीज ध्यान रखने वाली है कि लॉग एक्स तभी होता है जब हमारा जो नीचे वाला फंक्शन हो वो लीनियर हो, दैट मीन्स एक्स की डिग्री वन हो। जैसे वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन भी लॉग एक्स होता है, वन अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन भी लॉग एक्स प्लस टू आएगा। इस तरह से यहाँ वन अपॉन एक्स माइनस ए है, ये लीनियर है। लीनियर इक्वेशन अगर नीचे हो, वन अपॉन में हो, तो हमेशा उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग एक्स की फॉर्म में आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग एक्स माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस ए है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन करके लॉग एक्स माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस ए। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान देना आपने कि x का कॉफिशियंट जो आता है वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है डिवीज़न में। उसका रीज़न मैं पहले ही हर बार बता चुकी हूँ। जैसे अगर यहाँ पे 2x होता तो फिर 2x माइनस ए का जैसे हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव में क्या करते हैं, हम 2x माइनस ए का भी डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में सब कुछ डिवीज़न में चलता है। तो जैसे यहाँ एक्स का कॉफिशियंट 1 है तो डिवीज़न में बस 1 आएगा, उसको लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पे भी 1 है तो उसको लिखने की नीड नहीं है। अभी फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये फॉर्म बन रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस लॉग एन का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एम बाय एन। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके, ये आपने स्टडी किया हुआ है लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम बाय एन। तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग एम क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। आपको ये वैसे रिमेंबर करके रखना है माइंड में कि इसका इंटीग्रेशन 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है, क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अगर इसकी डेरिवेशन आ जाती है एग्जाम में तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। प्लीज़ नोट डाउन। सो इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट इंटीग्रल देखते हैं, वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर पहले आ रहा है। तो कांस्टेंट पहले आ रहा है तो ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट बाद में आ रहा है तो ये आंसर आएगा, और कांस्टेंट पहले आ रहा है तो हम ये अभी मेथड प्रोसीड करेंगे। करना बिल्कुल उसी की तरीके से है। यहाँ पे देखिए, जैसे वहाँ पे 1/2 a लिया था कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पे भी 1/2 a से मल्टीप्लाई, 2a से डिवाइड। और जैसे यहाँ पे मैंने फैक्टर बनाया a माइनस b इंटू a प्लस b, यहाँ पे भी वही बनाएंगे तो a माइनस x इंटू a प्लस x हो जाएगा, साथ में इंटीग्रेशन का dx आ जाएगा। और फिर जैसे यहाँ पे हमने स्प्लिट किया था 2a को a प्लस ए, सेम यहाँ पे भी ऐसी करना है a प्लस ए, और एक x ऐड करेंगे, एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे अपना यही बनाने के लिए, जैसे इस पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, सेम मेथड फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें उसी के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को उसी के अकॉर्डिंग फैक्टर बनाना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म दे रखी है। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं दैट इज़ a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स। तो a प्लस एक्स भी बना बनाया आपको मिल रहा है और a माइनस एक्स भी बना बनाया मिल रहा है, तो दैट मीन्स यू विल जस्ट टेक इन द ब्रैकेट a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स into a plus x. So you can see here that the same steps you have to proceed in first as well as in second also. So now splitting the terms, taking the first integral a plus x upon a minus x into a plus x dx plus integration of a minus x upon a minus x into a plus x dx. Now you can see over there a plus x can be cancelled by a plus x and a minus x can be cancelled by a minus x. So what does it become? It becomes, यहाँ पे दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 1 अपॉन a माइनस एक्स बचेगा, एंड सिमिलरली हेयर यू विल गेट 1 अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। नाउ द सेम वे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन दिस, सो द इंटीग्रेशन विल बी लॉग a माइनस एक्स। बट रिमेंबर वन थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे हमारा इसका इंटीग्रेशन लॉग a माइनस एक्स तो आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो x का कोफिशियंट था वो 1 था, यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है, माइनस 1 है। तो यहाँ पे x का कोफिशियंट माइनस 1 आएगा डिवीज़न में। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं समझ आता तो वो, ये तो मेरा शॉर्टकट मेथड है, मैंने आपको हमेशा कहा है पूरे चैप्टर में यही चलता है।
अगर लीनियर इक्वेशन में x का लीनियर डिग्री है उसके साथ जो भी कॉफिशियंट है वो डिवीजन में आएगा। नहीं समझ आता तो आप a माइनस एक्स को t ले सकते हैं और वहाँ से फिर उस आपका फिर से यही आंसर आएगा। यहाँ पे a प्लस एक्स को t ले सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log a प्लस एक्स, और क्योंकि यहाँ पे x का कॉफिशेंट वन ही है तो नीचे वन ही आएगा प्लस सी। फाइनली जो है ये आपका थोड़ा सा मॉडिफाई होके इसको लिख लेते हैं, ये प्लस में है तो प्लस वाले टर्म को हम आगे लिख लेंगे और ये माइनस में आएगा तो ये माइनस वाली पीछे लिख देंगे। तो फाइनली जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा 1/2a। वन तो हमारा ये यहाँ पे भी यही चुका है 1/2a log m माइनस log n, तो जैसे यहाँ पे यूज़ किया था log m माइनस log n, log m by n, यहाँ पे भी यही लिखेंगे log, दिस इज m, दिस इज n प्लस c। तो हमारा ये आंसर होता है इसका, ये याद रखना है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे x माइनस a अपॉन x प्लस a, यहाँ पे a प्लस x अपॉन a माइनस x, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, तो पहले इसको उसी तरह से नहीं कर सकते, ध्यान से सोचिए वहाँ और यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे डिनोमिनेटर में या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। अब माइनस था इसी वजह से वहाँ पे फैक्टर बन पाए क्योंकि हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और इसको हम नहीं स्प्लिट कर सकते, इसके फैक्टर्स हम नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमें कोई और ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए, तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास a है यहाँ पे, तो x की वैल्यू मैं कुछ a की फॉर्म में पुट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर a tan थीटा पुट करते, देख लीजिए फिर आपको समझ आ जाएगा कि पर्टिकुलरली यही क्यों पुट किया है। तो यहाँ पे देखिए dx क्या आएगा, dx क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, a ही रहेगा, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं, dx की जगह आ जाएगा a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और साथ में नीचे x स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब a सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों टर्म्स में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, सो यू कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन, व्हाट डज इट बिकम टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमें ऐसा वैल्यू लेनी है जिससे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए। ये टेंथ क्लास में पढ़ा आपने, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो एक ए डिनोमिनेटर में बचेगा और इसको हम बाहर ले लेंगे बिकॉज दिस इज ए कॉन्स्टेंट, सो यू कैन टेक वन बाय ए आउटसाइड। एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। सो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन ये कट जाएगा तो वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आंसर आएगा, थीटा ही तो आएगा प्लस सी। अब क्वेश्चन में से आपको थीटा की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, तो थीटा की वैल्यू को देख लेते हैं कैसे एलिमिनेट करना है। यहाँ पे ए मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो यहाँ पे एक्स अपॉन ए आ जाएगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आ गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टेन यहाँ पे शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यही होता है इसका फॉर्मूला, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ध्यान रखना है आपने, ये धीरे धीरे आपको लर्न भी हो जाएंगे जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 में, तो बहुत बार हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा बन तो जाएगा फैक्टर, लेकिन स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, फैक्टर कैंसिल नहीं होगा हमारा यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी हमने कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है ताकि हमारा कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम करेंगे x की वैल्यू a साइन थीटा। ध्यान से देखिए, बाकी वही बता रही हूँ कि जैसे जैसे आप पुट करते जाएंगे तो आपको आइडियाज आते जाएंगे कि पर्टिकुलरली हमने यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों यूज़ करना है। अगर देखिए यहाँ पे साइन थीटा यूज़ करते तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। और अभी आपको पता है मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्यों यूज़ कर रही हूँ एक ही फॉर्म में। देखो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपको अपने आप पे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे कि हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है सो दैट हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव तो डी एक्स आ चुका है, ए कॉन्स्टेंट है, जो साइन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब आपने बस जैसे वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थी वैसे ही डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए कॉस थीटा तो ऊपर हमारा डिनोमिनेटर में चल ही रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में चल रहा है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर क्या ले लोगे आप कॉमन, अंदर क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये बन जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट से ये दोनों पे स्क्वायर रूट हट जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगी कैंसल हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। तो बिल्कुल वैसा ही बन चुका है क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वन बचेगा। अब वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा थीटा प्लस सी। तो क्वेश्चन में काम क्या रह गया, सिर्फ हमारे को यहाँ पे थीटा की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। सो यहाँ पे देख लीजिए a डिवाइड में जाएगा तो x अपॉन a इक्वल्स टू साइन थीटा एंड फ्रॉम हेयर थीटा इज इक्वल टू साइन विल बी शिफ्टेड देन इट बिकम साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x अपॉन a, तो इसका आंसर क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है वन बाय ए टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। सो प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम वही वैल्यूज सोचेंगे पुट करेंगे जिससे कि हमारा कोई ना कोई आंसर बन जाए। तो जैसे अभी अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, थर्ड वाले पार्ट में देखा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो वहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा पुट की थी। तो यहाँ पे भी मैं एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा ही पुट करने वाली हूँ क्योंकि है तो वही चीज़ बस स्क्वायर रूट में है, तो उससे सब्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होने वाली है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे ए टेन थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी ए सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारा क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा। सो सिकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर से दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा ए सिकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन ए सिकेंड थीटा डी थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड थीटा डी थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपको सेकेंड के इंटीग्रेशन की डेरिवेशन देखनी है या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन स्पेशली कोसेकेंट कॉट, तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सारा इलैबोरेट करके बताया हुआ है। प्लीज़ क्लिक ऑन दी आई लिंक, यू कैन गेट द डिस्क्रिप्शन ओवर देयर टू नो द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इसका जो वहाँ से आप देखोगे फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है log secant theta plus tan theta plus c। log secant theta का इंटीग्रेशन क्या होता है log secant theta plus tan theta।
तो यहाँ पे हमें बस अब सीकेंट और टेन की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ से ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू तो आपके पास आ गई है एक्स बाय ए, लेकिन प्रॉब्लम है सिकेंड थीटा की वैल्यू कैसे निकाले। अब आपको पता है टेन थीटा है, तो आप सिकेंड थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सिकेंड थीटा के एक्चुअल में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, टेंथ क्लास का फॉर्मूला होता है ना, सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से सिकेंड थीटा का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से सिकेंड थीटा आ गया है अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो यहाँ से सिकेंड थीटा की ये वैल्यू आ चुकी है। इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे वाला ए स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो सिंपल क्या बन जाएगा, ए। तो इस तरह से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू और सिकेंड थीटा की वैल्यू दोनों आ चुकी है। टेन थीटा की पहले वैल्यू लिख लेते हैं, टेन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, और सिकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में ए है, तो आप एलसीएम ले सकते हो। तो ये आ गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन ले लीजिए। अब ये आपका किस फॉर्म का बन चुका है, लॉग एम बाय एन, और लॉग एम बाय एन का अभी अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, ये क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये आ जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, एन क्या है, ए। अब आपको पता है कि यहाँ मैंने सी वन इसलिए लिया, अभी आपको रीज़न मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये दोनों कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में कोशिश करनी है कि आपने सारे कांस्टेंट्स को इकट्ठा मतलब बना के एक नया कांस्टेंट सी लिख देना एंड में, कांस्टेंट्स को मतलब सेपरेट नहीं लेना। कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल है तो ही हमने इसको सेपरेटली लिखना है, अगर कांस्टेंट है तो हम इसको सी वन के साथ इंक्लूड करके एक नया कांस्टेंट दे देंगे नेम, दैट इज सी। सो इसका फाइनल जो आंसर है वो क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज इक्वल टू सी वन माइनस लॉग ए। अंडरस्टूड, तो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट था, इसको मैंने कंबाइन कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है, सी। तो याद रखना है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, प्लीज नोट डाउन। सो द लास्ट फॉर्मुला दैट इज वेरी यूजफुल फॉर दिस चैप्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी अभी आपने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से किया था, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो अब आपने सोचना है यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर आप ए सिकेंड थीटा डालते हैं तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारा काम बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने माइंड यूज़ करना है कि एक्स की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट करना है जिसकी वजह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला आपको टेंथ क्लास के फॉर्मूला यूज़ करने हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एंड द लास्ट इज कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो उसमें से जो भी सेटिस्फाई करता है आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स ये आ गया, यहाँ से डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, सिकेंड का डेरिवेटिव होता है सिकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, डी एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए सिकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा, तो एक्स स्क्वायर विल बिकम ए स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस इट विल बिकम ए सिकेंड थीटा टेन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यू कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन, सो इट विल बिकम सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। नाउ सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इज गोइंग टू बी टेन स्क्वायर थीटा, सो इसकी वैल्यू हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और हमेशा की तरह जैसे स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर रिमूव कर देते हैं तो ये हमारा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये बाहर स्क्वायर रूट से आके क्या बन जाएगा, ए टेन थीटा। तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा ए सिकेंड थीटा टेन थीटा अपॉन ए टेन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से ए कैंसल और टेन थीटा से टेन थीटा कैंसल,
तो देखने में तो लगेगा बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि उसमें भी हमारा लास्ट में सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन आ गया था, जिसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। तो अभी फिर से वही काम करना पड़ेगा जैसे हमने सेकेंड और टेन की वैल्यू को एलिमिनेट किया था, यहाँ से सेम वही काम करने वाले हैं। तो अभी यहाँ से देखिए सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन ए। तो मैं यहाँ से एलिमिनेट कर रही हूँ, सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम सेकेंड थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। और फाइनली हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी और ये बाहर आके सिर्फ ए बचेगा। तो अभी देख सकते हैं सेकेंड थीटा की ये वैल्यू आ चुकी है और टेन थीटा की ये वैल्यू आ चुकी है। हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा, लॉग एक्स अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस, यहाँ पे भी आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन ले लीजिए, क्योंकि अभी पता है नेक्स्ट स्टेप में मैं वही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल ही वही चीज़ करूँगी। तो यहाँ पर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा एलसीएम लेके, और नेक्स्ट स्टेप में ये आपका लॉग एम अपॉन एन की फॉर्म में बन चुका है, जो होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो इसको आप लिख सकते हो लॉग एम यानी कि x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग एन, एन यहाँ पे क्या है ए प्लस सी वन। अब इसको कंबाइन कर देंगे क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, दोनों को हमने ऐड करके नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया सी, इन दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले वाले इंटीग्रेशन और इस वाले इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो यहाँ पे प्लस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। बाकी सारा आपका सारा सेम है, मेथड भी सेम है, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस एंड यू हैव लर्न्ड हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूलाज इन आवर नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.4। इसको करे बिना आप एक्सरसाइज 7.4 को नहीं समझ सकते। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, कंप्लीट वीडियो वेरी केयरफुली। And if you love my video, please like, share and subscribe with your friends and family. Thank you so much for watching Alisha Maths Classes.